हाल के वीएस एग्जाम अभी समाप्त हुआ है और जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम देकर आ रहे हैं, इनसे बात करें किस तरह एग्जाम आ रहा है और पीजीटी वाले जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो आपको पता चली जाएगा। एग्जाम कैसा रहा? सही था। ये कितने स्कोर की उम्मीद आपको? अब ये तो पता नहीं सर, कर दिया है, अब देखते हैं। ईवीएस के बारे में बताओ कैसा रहा थोड़ा? ईवीएस भी ठीक ठीक ही था सर। और जीके? जीके भी ठीक था। करंट अफेयर के बारे में बताओ, कौन सी ईयर की आ रही है अभी? लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। और जो इंग्लिश है वो? हाँ जी, इंग्लिश भी ठीक थी सर, वैसे ठीक ही था। हम देखो ऑल ओवर आपको मतलब कौन सा पोर्शन ऐसा लग रहा है जो टिपिकल आ रहा है या हार्ड आ रहा है थोड़ा? तो कैसा रहा मैम एग्जाम तो अच्छा हुआ, बट थोड़ा मुझे सेंटर नहीं पसंद आया। सेंटर? हाँ, थोड़ा सा बहुत कंजस्टेड था और अंदर साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। मतलब मेरी तो जो सीट थी उसके ऊपर ही वॉशरूम बना हुआ था, तो इतना स्मेल था। अदरवाइज पेपर अच्छा था। और पेपर के बारे में जो इंग्लिश आ रही उसका कैसा लेवल आ रहा है? इंग्लिश तो अच्छा लेवल है, गुड लेवल। अच्छा, और जीके के बारे में? जीके भी करंट अफेयर्स ही था। करंट अफेयर कौन सी ईयर की आ रही है? इस साल की भी थी, लास्ट ईयर की भी थी, मेजरली तो इसी साल की। कोई क्वेश्चन याद आपको? ऐसे तो मिक्स हो रखा है सब कुछ। चलो, जैसे आप एग्जाम दे रहे थे अभी, तो क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में है या फिर रैंडमली दे रखे? जैसे कि जीके है तो, क्योंकि हम लोगों का तो अलग अलग सब सिस्टम था, बट मोस्ट लाइकली वैसे पैटर्न में, जैसे सबसे पहले जनरल रीजनिंग इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, फिर हिंदी है, फिर रीजनिंग है, फिर करंट अफेयर्स है, वो सीक्वेंस है। एक बार जीके के 20 है, उसके बाद फिर आगे इंग्लिश। हाँ हाँ। और जो करंट अफेयर आपने ये बताओ, जो आपके सब्जेक्ट था कौन सा सब्जेक्ट आपका? मेरा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चन थे वो डीप आ रहे हैं फिर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं? डीप क्वेश्चंस भी हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, मिक्सचर है, मिक्स चल रहा है। ये चीज़ बताओ कि जो अपनी रीजनिंग है वो कैसी आ रही है? जनरल रीजनिंग मुझे तो, मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी लगी रीजनिंग मुझे बहुत ईजी लगी। क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल याद हो किस तरह? वो तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि ऐसा पैटर्न है तो अब अगला पैटर्न कैसा होगा, तो वैसा फिगर बेस्ड। फिगर जो अपना क्या नाम था, एक चीज़ और थी हिंदी, हिंदी के बारे में बताओ। हिंदी भी बहुत अच्छी थी क्योंकि मुझे लैंग्वेज पसंद है, तो मुझे वो इजी लगा। केमिस्ट्री थोड़ा सा था, कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब आपको थरो होना चाहिए, और अगर आप इन सर्विस हैं तो मुझे लगता है कि पेपर वहाँ थोड़ा सिंपल लेवल। कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर क्वेश्चन कैसे है? कंप्यूटर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, क्योंकि वो एज टीचर्स हम लोग इतना ज़्यादा यूज टू नहीं होते, उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह था, तो हम इतने यूज टू नहीं होते, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट। जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़ा कोई है याद है? प्रोग्रामिंग पर था कि ये लैंग्वेज में ये कुछ एक्सेल वगैरह तो था ही, सी प्रोग्रामिंग का भी कुछ कुछ टर्म्स थे, तो वो इस तरह से। और आपको कितने स्कोर की उम्मीद है? सेलेक्ट होने की उम्मीद कर रही हूँ, बाकी देखो। थैंक यू सो मच मैम। जैन साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं केवीएस एग्जाम सेंटर पर आ चुके हैं और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है केवीएस का। फिलहाल जैसे भी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, अब पता आपको लगातार चलेगा, पीजीटी का है, उसके बाद पीआरटी है, फिर नॉन टीचिंग का भी है, सभी का लाइव भी अपने चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी डाउट कमेंट सेक्शन पूछे और इंस्टाडी पर भी आप बात कर सकते हैं। तो फिलहाल भी यहाँ पर एग्जाम चल रहा था मुर्दा में और एग्जाम सेंटर से हमने रिव्यू लिया था, कैंडिडेट से पूछा था किस तरह का एग्ज़ाम है, और आगे भी जो है अपडेट अपने चैनल पर मिलती रहेगी।